Assalamualaikum everyone. आज हमें इनवाइट किया है कसम मुसाफिर रेस्टोरेंट वालों ने. यहाँ पे हम कुछ ट्राई करने वाले हैं अरबिक ट्रेडिशनल फूड. जब तक मैं अंदर जा रहा हूँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना. अभी आपको उनसे मिलेंगे जिन्हें हमें इनवाइट किया है. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम. क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सईद गौसलीशा. तो भाईजान, आज हमें क्या ट्राई कराने वाले? आज आपको यहाँ की स्पेशलिटी अरेबिक फूड है हरीस. इसमें हमारे पास तीन वैरायटीज़ हैं. हरीस चिकन का है, हरीस बीफ का है और हरीस स्पेशल है जी, ये हरीस सम्मान का, जिसे बटेर कहते हैं. जिसे बटेर कहते हैं जी. तो आप जस्ट हैव अ लुक. तो गाइस, यहाँ पे है हरीस बटेर का. हमें बड़ा बड़ा बटेर खाते हैं. मटन का है, चिकन का है. ये कौन सा हरीस है? हरीस लहम. अच्छा, मटन का. तो ये मटन का हरीस. ये बटेर का है. बटेर का रही है जी, बटेर. अच्छा अच्छा अच्छा. ये मेरा भाई चिकन हरी से. ये चिकन हरी से. तो इसको कितना टाइम लगता है बनाने में? इसको तकरीबन 4 घंटे लगते हैं बनाने में. 4 घंटे. तो ये हरीस डेली मिलता है? डेली मिलता है बिल्कुल. बटेर का, चिकन, मटन सब का. आपका स्पेशल हरीस कौन सा है जो आप बोलेंगे बेस्ट हरीस यहाँ पे आके ट्राई करना चाहिए? हमारा है हरीस सम्मान बटेर का, क्योंकि ये सबसे पहले हमने ही शुरू किया है. नॉर्मली यूएई में बटेर का हरीस कोई नहीं बना रहा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बटेर का हरीस ट्राई करें. गाइस, हम पहले बटेर का हरीस ट्राई करेंगे, उसके बाद मटन का भी करेंगे. हाँ जी, मटन का भी इंशाल्लाह. भाई से पूछना है कि यहाँ पे और कौन सा आइटम जो मस्ट ट्राई आइटम है जी? भाई, और कौन सा आइटम है आपके पास? हमारे पास बारबेक्यू में आइटम है, 3-4 किस्म के बारबेक्यू हैं, जिसमें आप इधर आइए, मैं दिखाता हूँ. ये है जी वाइट चिकन मलाई बोटी, ये है चिकन ग्रीन चिली बोटी और ये है चिकन रेड चिली बोटी. उसके साथ फिश है, बीफ बारबेक्यू है और चिकन टिक्का बोटी. अच्छा, ये आइटम डेली मिलते हैं या सिर्फ स्पेशल डे है इसका कोई? ये नॉर्मली तो जुम्मे को तो मस्ट हैव आइटम है और नॉर्मल डेज में ये थोड़ा कम होता है, लेकिन प्रॉपर आइटम आपको जुम्मे को इंशाल्लाह मिलेगी, क्योंकि इट्स अ वीकेंड एंड इट्स अ हॉलीडे. तो जुम्मे को ऑफ होता है ना, इस वजह से हम सब कुछ तैयार करते हैं. तो वीकेंड सैटरडे भी होता है? सैटरडे को होता है? नहीं होता. ऑलमोस्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको ये मिलेंगी चीज़ें. अच्छा, तो कितने बजे अभी सिलसिला शुरू करते हैं? ये शुरू हो जाता है जी, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है हरीस. आहिस्ता आहिस्ता 12 बजे आफ्टरनून में बारबेक्यू, उसके बाद फिर रात 11 बजे तक सब चलता है. यहाँ का ऊपर का सिटिंग एरिया भी बहुत ही ज़बरदस्त है. चलिए, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ. फॉलो मी. तो यहाँ देखिए, फैमिली सिटिंग एरिया भी है. बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ पे खाने का टेस्ट तो डबल हो जाएगा यार. और यहाँ बच्चों का प्लेइंग एरिया भी बहुत अच्छा बना हुआ है. और ये हमारी जगह जहाँ हम बैठने वाले. वाह यार, नाइस. जी गाइस, हरीस आ चुके हैं हमारे. बटेर का, बीफ का और चिकन का. स्पेशल बटेर का है तो बटेर से ट्राई करते हैं. और इसमें है पेपर और स्पेशल अरेबिक ऑयल है, समन ऑयल कहते हैं जैसे. तो बटेर से स्टार्ट करते हैं. नन्ना सा जानवर है और बहुत ही ताकतवर है. ओए होए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट. अच्छा, और व्यू के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये तो. अब बीफ की बारी है. वैसे रमज़ान में तो हम बहुत हरीस खाते हैं, पर अभी खाने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है. ये बीफ का मसाले और ऑयल के साथ तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही टेस्टी है. एक और ट्राई करूँगा बीफ का. अब चिकन की बारी है. बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त. पता है मेरी टीम के भी मुंह में पानी आ रहा है. कुछ के लिए मौका मिलेगा, तीनों तो मैं एक साथ नहीं खाऊंगा. और इसको ख़त्म करने के बाद मैं आपको इसकी रेटिंग देता हूँ. जी गाइस, हरीस के बाद बारी है अरेबिक ट्रेडिशनल बिरयानी की. हाथ से खाएंगे,
हाथ से खाने का टेस्ट ही अलग आता है। बता दो, ये अरबिक बिरयानी है, ये अपनी पाकिस्तानी इंडियन देसी बिरयानी नहीं है। बहुत अच्छी, पता नहीं बिरयानी के मजे के व्यू के साथ जो एंजॉय कर रहे हैं उसका इतना टेस्ट आ रहा है, पर बहुत मजे। हरीस और बिरयानी के बाद आप मीठे की बारी है, जिसे कहते हैं डम्पलिंग। अरबिक में लगे मात और हम अपनी देसी स्टाइल में गुलगुले जिसे कहते हैं, और उसके पर ये स्पेशल हनी है। बहुत गर्म है, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। ये गाइस, खाना भी हो गया, मीठा भी हो गया और बहुत मज़े का था। ये इसमें अरबिक मसाले, इतने ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन वाले एशियन से इतने स्ट्रॉन्ग मसाले नहीं है, पर आप जब इसको खाएंगे तो आपको एक अलग ही मसाला, अलग ही टेस्ट आएगा आपको अरबिक स्टाइल में। और लेगे माद भी बहुत अच्छे थे। इसमें जो ये आप देख रहे हैं हनी, इसे डेट्स हनी भी कहते हैं और डेट्स सिरप भी कहते हैं, और ये सिर्फ डम्पलिंग के लिए होता है, और बहुत ही ज़बरदस्त। ओवरऑल इसकी रेटिंग देंगे व्यू के साथ मिला के 5 में से 4.5। जी गाइस, खाना और व्यू बहुत ही ज़बरदस्त था, हमें तो बहुत मज़ा आया। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।